के वजीरे खेल और सयाहत खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान को भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। लिखा गया है कि 3 दिन में 80 लाख रुपए ना पहुंचाए तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। सूबाई वजीर आतिफ खान ने पर्ची की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसे मुतालिका इदारों से शेयर कर लिया है। अब कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। रैंसम जिस तरह बाकी लोग भी कुछ लोग आए हैं तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज से उसको शेयर किया है। अब उस पर आप जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये आपको आया है या दीगर मिनिस्टर्स वगैरह भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के भाई का भी जिक्र हो रहा था। देखिए मुझे तो बाकी का पता नहीं है, लेकिन मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज का। आतिफ खान की गुफ्तगू आपने सुनी, इसी तमाम सूरत हाल में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शाहबुद्दीन से। शाहबुद्दीन अपडेट कीजिएगा, मामला क्या है? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा में तहरीकी तालिबान की तरफ से कालेदम तहरीकी तालिबान की तरफ से जो बिजनेसमैन और सूबाई हुकूमत में शामिल लोगों की सियासी जमातों के लोगों को भी बत्ती के पर्चे मौसूल होते हैं। आज आतिफ खान को तहरीकी तालिबान कालेदम तहरीकी तालिबान मर्दान डिवीजन के पैड पर एक खत मौसूल हुआ है जो उन्होंने शेयर किया है और उसमें उनसे 80 लाख रुपए का मुतालबा किया है। और आतिफ खान ने आज उनकी तस्दीक भी कर दी कि उनको पर्ची मौसूल हो गई है और उन्होंने उसके क्लियर कट अल्फाज दो टोक अल्फाज में इनकार भी किया है, वो किसी किस्म का पत्ता नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एजेंसियों के साथ ये मैंने शेयर की है और अभी कार्रवाई करना एजेंसियों का काम है। सूबाई वजीर आतिफ खान ये सूबाई वजीर के जो सियाहत है और ये पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथियों में भी शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन तफसीलात से आगाह करने के लिए।